हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज ना हम एक वार्डरोब एसेंशियल पीस को स्टाइल करने वाले हैं। यस, आज हम इस ब्यूटीफुल सी ब्लैक ड्रेस को स्टाइल करने वाले हैं 8 कम्प्लीटली डिफरेंट वेज में। अगर आप अच्छी वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो आपके पास ना इस तरह के बेसिक पीसेज होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। और ये ब्लैक ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड मैंने अपनी ब्लैक ड्रेस को ना मीशो से पिक किया था, तो अगर आप चाहें तो आप भी वहाँ से डेफिनेटली पिक कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ सच अ गुड क्वालिटी ड्रेस। एंड यस, बहुत ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। इस लुक में ना मैंने एक निटेड स्वेटर काइंड ऑफ टॉप को वेयर किया है अपनी ड्रेस के ऊपर। ये जो टॉप है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और ड्रेस के ऊपर ऐसे ही पहन लेने से ना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है ड्रेस में। तो इस ड्रेस को ना एक स्ट्रक्चर्ड लुक देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, टॉप को फ्रंट में ना अच्छे से गैदर कर कर एक हेयर टाई की हेल्प से उसको सिक्योर करके अंदर की तरफ फोल्ड कर ले रही हूँ ताकि जो मेरा टॉप है ना वो बहुत ही ज़्यादा फिटेड लगे प्लस क्रॉप्ड भी हो जाए। इस ड्रेस से ही मैचिंग कलर को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लैक हील्स को पहना है और अपने हेयर्स को ना क्लॉ क्लिप की हेल्प से ना अच्छे से सिक्योर कर लिया है। इस लुक में ना मैंने अपनी ओवरसाइज्ड शर्ट को वियर किया है अपनी ड्रेस के ऊपर। मेरी जो शर्ट है ना वो ब्लैक है एंड प्रिंटेड भी है, सो इट गोज़ रियली वेल विद द ड्रेस। एक कैजुअल लुक देने के लिए इस ओवरऑल आउटफिट को मैंने ना अपने शूज़ पहने हैं। शूज़ का जो कलर है आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट है, तो उससे ही मैच करके मैंने ये बैग लिया है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड ट्रेंडी ज़ीब्रा प्रिंट में है। इस लुक में ना मैंने ये क्रॉप टॉप वियर किया है बेज कलर का ड्रेस के ऊपर। दिस टॉप इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फाइंड्स फ्रॉम मीशो। इस टॉप से ही मैच करके मैंने ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा हैंडबैग भी लिया है जो बेज कलर पे है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बैग है ये। एंड फुटवेयर में मैंने ना ये अपनी जो मेरी पिंकिश न्यू ट्रांसपेरेंट हील्स है इनको ऐड किया है इस लुक में एंड अपने हेयर्स को ओपन रखा है। जैसा कि आपको पता है कि डेनिम जैकेट्स ना ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं, सो मैंने भी ना ये आर्मी ग्रीन कलर की जो जैकेट है उसको वेयर किया है अपनी ड्रेस के ऊपर एक मोर कैजुअल लुक देने के लिए। एंड इस बेज कलर के बैग को भी ऐड किया है। अगेन आई वोर माय पिंकिश न्यू ट्रांसपेरेंट हील्स टू मैच माय बैग। इस लुक में ना मैंने ये लूज़ काउनलेक टॉप को ना इस ड्रेस के ऊपर वेयर किया है ताकि ड्रेस नीचे वाले पोर्शन से ना ऐसा लगे जैसे कि मैंने एक फिटेड ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है। ब्लैक कलर से ही मैच कर कर मैंने ये ब्लैक कलर की हील्स को इस आउटफिट में ऐड किया है। इस लुक में ना मैंने ये फ्लावर प्रिंट वाले टॉप को इस ड्रेस के ऊपर पहना है। ये टॉप एंड ड्रेस दोनों ही ब्लैक कलर में है तो ये जो टॉप है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा इस आउटफिट में। ये एक फुल लेंथ टॉप है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड ऐसे ही इसे पहन लेने से लग रहा है कि आपने ड्रेस के ऊपर ना टॉप पहन लिया है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, टॉप को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ ताकि जो टॉप हो ना वो क्रॉप्ड हो जाए एंड इस ड्रेस का ही पार्ट लगे। मैंने पीच कलर की जो न्यूड हील्स है ना उनको पहना है क्योंकि जो फ्लावर्स है ना उसके साथ ये जो कलर है वो अच्छे से मैच हो रहा है। हेयर्स को ना
क्लॉ क्लिप की हेल्प से एक पोनी टेल में बना लिया है। लुक में ना मैंने ये जो मेरा पैपलम टॉप है वाइट कलर में, इसको ना अपनी ड्रेस के ऊपर पहना है। आपको जैसा पता ही है कि वाइट एंड ब्लैक साथ में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, तो ये टॉप भी ना इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस मैंने ना ब्लैक कलर के ही हील्स पहने हैं ताकि वो अच्छे से मैच करे इस ड्रेस के साथ। अगर आपके पास ना शॉर्ट ब्लैक ड्रेस है तो आप इसको एज अ टॉप भी पहन सकते हैं एक नाइस पेयर ऑफ जीन्स के साथ। तो मेरे पास ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेल बॉटम जीन्स है, इसके साथ मैंने इसको एज अ टॉप पहना है ब्लैक, एंड ब्लैक टॉप को मैच करने के लिए मैंने ब्लैक हील्स को ही पहना है। और इस ओवरऑल आउटफिट को हल्का सा ना डिफरेंट लुक देने के लिए ये जो ट्रेंडी बैग है ना ज़ीब्रा प्रिंट का, इसको भी मैंने इस लुक में ऐड किया है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको इन सारे लुक्स में से कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड यस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।